अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? तो आज एक नई रेसिपी और बहुत मज़े की और जूसी रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं, बीफ स्टेक विद पटैटो। तो इंशाल्लाह आपसे ये रेसिपी शेयर करते हैं, आपको पसंद आएगी। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलें, बीफ स्टेक के लिए हमने ये ले लिया है 1 अदद ये पीस स्टेक का, ठीक है। ये अंदर कट का पीस है, ये ऑलरेडी ये गला हुआ होता है, मतलब नरम होता है, सॉफ्ट होता है। इसके लिए हम नमक ले लेंगे, काली मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर और ये एलोपिनो सॉस। ये आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएगी, ये स्टेक में यूज़ होगी आज। और ये 3 अदद आलू ले लिए इस नॉर्मल साइज़ के। ये पोटैटो आपको बताएंगे ये कैसे साथ में तैयार करने हैं। और सैलड ले लिए नीचे गार्निश के लिए, और ये लेमन इसमें जो ऐड होगा। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। इसको ज़्यादा कट नहीं लगाने हमने, हल्का हल्का सा ऐसे, बस हल्का हल्का सा खोलना है ऐसे। ये बीफ स्टेक बनेगा आज इंशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा। बस हल्का हल्का सा ऐसे काट देने हैं कि इसमें नमक और काली मिर्च जज्ब हो जाए। इसमें से मसाले 2 ही ऐड होने हैं, नमक और काली मिर्च। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे दोनों साइडों पे। इसको लेमन लगा देंगे। नमक लगाएंगे। और इसको काली मिर्च लगाएंगे ऐसे। फिर इसको बाद में एलोपिनो के साथ साथ में ऑयल, साथ में इसका पेस्ट बनाएंगे हम लेमन का। ये रेजी, इसको मसाला लग गया सही तरह से। सिर्फ नमक और काली मिर्च और अदरक लहसुन का पाउडर लगाया है, ये हो गए। इसको ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना, अब इसे बनाते हैं। लेमन और एलोपिनो और ऑयल की सॉस तैयार कर लेंगे जो उसके ऊपर लगेगी। ये एलोपिनो सॉस ले ली हमने 3 से 4 टेबल स्पून। इसके बीच में हम ऑयल डाल देंगे 2 से 3 टेबल स्पून, साथ में 2 लेमन। ये ले जी, ये हमने ऑयल लगा लेंगे कि स्टेक चिपके ना। हम ये सॉस लगाएंगे इस पे।
तकरीबन ये तैयार होने वाला है। अब हम पोटैटो तैयार करेंगे। ये पैन में ऑयल डालेंगे, ये हो गया जी तैयार, स्टेक भी हो गया जी। ये देखें जी ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें। ये देखें कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये देखिए जी आपने रेसिपी, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत ही मज़े का, और इसमें जो लेमन का टेस्ट आ रहा है और एलोपिनो सॉस का टेस्ट आ रहा है, बहुत ही मज़े का जी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। सही जूसी है। चलिए फिर अपने भाई को इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।